नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना काल संक्रमण की वजह से ऑस्ट्रेलिया में फंसे भारत के सिख छात्र अर्शदीप की वतन वापसी के लिए मोदी सरकार ने बड़ी पहल की है। भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में बेहद गंभीर रूप से बीमार अर्शदीप की वतन वापसी और उसके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सराहनीय कदम उठाया है। आपको बता दें, अर्शदीप की मां की फरियाद पर उसे विशेष विमान से ऑस्ट्रेलिया से भारत रवाना कर दिया गया है। उसका सारा खर्च भारत सरकार ने ही उठाया है। परिवार ने इसके लिए मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें, दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित नॉर्थ एक्सटेंशन में रहने वाली इंद्रजीत कौर ने ही प्रधानमंत्री दफ्तर, भारतीय विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय में पिछले महीने आवेदन देकर अपील की थी। इंद्रजीत कौर का 25 साल का बेटा अर्शदीप ऑस्ट्रेलिया स्थित मेलबर्न के सेंट विंसेंट हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई के बीच फंसा था। उसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, लिहाजा वो लगातार डायलिसिस पे था। 9 जून को अर्शदीप की मां को उसकी तबीयत के बारे में पता चला था। इसके बाद अर्शदीप की मां इंद्रजीत कौर ने बेटे को बचाने के लिए मोदी सरकार से अपील की थी। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में भर्ती है, कृपया मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो। अर्शदीप की मां ने कहा था कि ये दर्द और वेदना है उस औरत का जो विधवा और बुजुर्ग है। उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए अपील की थी। इसी का परिणाम है कि मोदी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और विदेश में फंसे अर्शदीप की वतन वापसी को लेकर पूरा इंतजाम किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।